नमस्कार जी। मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और लंबे समय तक इंदौर की सेवा करती रही ऐसी हम सबकी ताई सुमित्रा ताई, संसद में मेरे सहयोगी गण, नई विधानसभा में चुनकर आए विधायक, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की बरसों की तपस्या, उनके कई वर्षों के सपनों और संकल्पों का परिणाम है। और मुझे खुशी है कि आज अटल जी की जन्म जयंती तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये नई सरकार, नए मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम, और वो भी गरीब कुचले गए मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए होना और ऐसे कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिलना, ये मेरे लिए बहुत ही संतोष का विषय है। मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार की नई टीम को हमारे श्रमिक परिवारों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। गरीब का आशीर्वाद और उनका स्नेह, उनका प्यार क्या कमाल कर सकता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे यकीन है कि मध्य प्रदेश की नई टीम आने वाले दिनों में ऐसी ही कई और उपलब्धियां हासिल करेगी। मुझे बताया गया है कि जब हुकमचंद मिल के श्रमिकों के लिए पैकेज का ऐलान किया गया तो इंदौर में उत्सव का माहौल हो गया था। इस निर्णय ने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों में त्योहारों के उल्लास और बढ़ा दिया है। आज का यह आयोजन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, सुशासन दिवस है। मध्य प्रदेश के साथ अटल जी का संबंध, उनकी आत्मीयता हम सभी जानते हैं। सुशासन दिवस पर हुए इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, आज सांकेतिक तौर पर 224 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया है। आने वाले दिनों में ये राशि श्रमिक भाई बहनों तक पहुंचेगी। मैं जानता हूं कि आपने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आपके सामने अब सुनहरे भविष्य की सुबह है। इंदौर के लोग 25 दिसंबर की तारीख को श्रमिकों को न्याय मिलने के दिन के तौर पर याद रखेंगे। मैं आपके धैर्य के आगे नतमस्तक हूं। आपके परिश्रम को प्रणाम करता हूं। साथियों, मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए देश में चार जातियां सबसे बड़ी है। ये मेरी चार जातियां हैं,
मेरा गरीब, मेरा युवा, मेरी माताएं बहनें महिलाएं और मेरे किसान भाई बहन, मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीबों का जीवन बदलने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गरीबों की सेवा, श्रमिकों का सम्मान और वंचितों को मान हमारी प्राथमिकता है। हमारा प्रयास है कि देश का श्रमिक सशक्त बने और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। परिवारजनों, स्वच्छता और स्वाद के लिए मशहूर इंदौर कितने ही क्षेत्रों में अग्रणी रहा है। इंदौर के विकास में यहां के कपड़ा उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहां के 100 साल पुराने महाराजा तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट की ऐतिहासिकता से आप सब परिचित हैं। शहर की पहली कॉटन मिल की स्थापना होलकर राजघराने ने की थी। मालवा का कपास ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों में जाता था और वहां मिलों में कपड़ा बनाया जाता था। एक समय था जब इंदौर के बाजार कपास के दाम निर्धारित करते थे। इंदौर में बने कपड़ों की मांग देश विदेश में होती थी। यहां कपड़ा मिलें रोजगार का बहुत बड़ा केंद्र बन गई थी। इन मिलों में काम करने वाले कई श्रमिक दूसरे राज्यों से आए और यहां घर बसाया। ये वो दौर था जब इंदौर की तुलना मैनचेस्टर से होती थी। लेकिन समय बदला और पहले की सरकारों की नीतियों का नुकसान इंदौर को भी उठाना पड़ा। डबल इंजन की सरकार इंदौर के उस पुराने गौरव को फिर से लौटाने का भी प्रयास कर रही है। भोपाल इंदौर के बीच इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विकास हो। विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाइस पार्क हो। पास में धार जिले के भैंसोला में पीएम मित्र पार्क हो। सरकार द्वारा इन पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इससे यहां पर रोजगार के हजारों नए अवसर बनने की संभावना है। विकास के इन प्रोजेक्ट से यहां की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। साथियों, एमपी का बहुत बड़ा क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर समेत एमपी के कई शहर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का प्रेरक उदाहरण बन रहे हैं। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट भी संचालित हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए यहां ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। आज मुझे जलूत सोलर एनर्जी प्लांट के वर्चुअल भूमि पूजन का अवसर मिला है। इस प्लांट से हर महीने 4 करोड़ रुपए की बिजली, इस बिल की बचत होने वाली है। 4 करोड़ रुपया बचने वाला हर महीने। मुझे खुशी है
कि इस प्लांट के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी कर लोगों से पैसा जुटाया जा रहा है। ग्रीन बॉन्ड का ये प्रयास पर्यावरण की रक्षा में देश के नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक और माध्यम बनेगा। मेरे परिवारजनों, चुनाव के दौरान हमने जो संकल्प लिए हैं, हमने जो गारंटी दी है, उसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। हर लाभार्थी तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा एमपी में भी स्थान स्थान पर पहुंच रही है। चुनाव की वजह से एमपी में ये यात्रा कुछ विलंब से शुरू हुई है, लेकिन उज्जैन से शुरू होने के कुछ ही दिन के भीतर इससे जुड़े 600 से भी अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं। लाखों लोगों को इस यात्रा से सीधा लाभ मिल रहा है। मेरा एमपी के सभी लोगों से आग्रह है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जब आपके यहां आने वाली हो, आप भरपूर उसका फायदा उठाइए, उसका लाभ लीजिए, हर कोई वहां पहुंचिए। कोई भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित ना हो, हमारी यही कोशिश है। मोदी की गारंटी पर भरोसा जताकर हमें प्रचंड बहुमत देने वाली मध्य प्रदेश की जनता का मैं फिर आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको फिर एक बार मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं और मुझे गरीबों से जुड़े कार्यक्रम में, श्रमिकों से जुड़े कार्यक्रम में आज सहभागी होने का राज्य सरकार ने अवसर दिया। मेरे जीवन के लिए ऐसी पल मुझे हमेशा ऊर्जा देती है और इसलिए मैं इंदौर का, मध्य प्रदेश सरकार का और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आए हुए मेरे श्रमिक भाई बहन, और जब उनके गले में मालाएं देख रहा हूं ना, तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि कैसा शुभ अवसर आया है, कितने लंबे अरसे की प्रतीक्षा के बाद आया है। यह आपके चेहरे की खुशी, आपके गले की माला की सुगंध हमें समाज के लिए कुछ न कुछ करने की अवश्य प्रेरणा देती रहेगी। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।